Saleem bhai! Saleem bhai! Saleem bhai! Saleem bhai, wo aa rahi hai. अस्सलामुअलैकुम खाला, कैसी हो? मोटर ठीक चल रही है? अरे मोटर तो ठीक चल रही है, मगर गैस खत्म हो गई है. अब देखो ना, बैठे बैठे खामा खा का खर्चा आ गया है. अब टिफिन क्या खाक बनेंगे? किसी वक्त आके सिलेंडर तब्दील कर देना. अरे बाद में क्यों, मैं अभी आके कर देता हूँ. बल्कि ऐसा करता हूँ, शाम में ही आ जाता हूँ. अभी आपने भी खाना नहीं खाया होगा, ये मनोज बाइक वाला भी आने वाला होगा. मैं ऐसा करता हूँ ना, शाम में आता हूँ, चाय भी साथ पी लेंगे. क्यों जी? हाँ हाँ जरूर आ जाना, भूलना मत, वरना कल के टिफिन भी रह जाएंगे. अरे आप कोई भूलने वाली चीज है? मैं बस फटाफट काम खत्म करके आता हूँ. चल जीता रहे. तो भाई कब तक यहाँ आए भरेगा हैं? कुछ बोलेगा भी? बोलूंगा बोलूंगा, जल्दी क्या है. इसी लड़की के चक्कर में ना तू दो दफा फेल हो गया मैट्रिक में. अरे वो मोहब्बत ही क्या, जो आशिक को ना ले डूबे. डूब मर, तुल्लू भर पानी में डूब मर जाके. अबे 6 साल हो गए हैं बे. हाँ हाँ, ये वो प्यार ही क्या जो 2 दिन में खत्म हो जाए, ये असली वाली मोहब्बत है. अबे हम पे कोई रहम कर ले भाई थोड़ा सा, हैं? तो फिल्में देखना छोड़ देना यार. मुझसे कुछ सीखता क्यों नहीं है तू? तुझे पता है गर्ल्स कॉलेज के बाहर लड़की से नजरें मिली, अम्मा को बताया, रिश्ता भेजा, उना सीधा जहेज मांगा. अबे मुझको इलाके का चीपला समझ रखा है क्या, कि कॉलेज के बाहर अड्डा जमा के आती लड़कियों को सीटियां मारूंगा? प्रॉपर जेंटलमैन आदमी हूँ मैं, रामियो. हाँ ठीक है ठीक है, प्रॉपर जेंटलमैन. नीचे पंक्चर की दुकान, ऊपर हना का मकान, कितनी रोमांटिक बात है ना भैया. छोड़ देना यार ये सब, हैं? ये प्यार इस मोहब्बत छोड़ देना भाई, ये बाइक ठीक कर देना यार बस. बेटा तू देख अपने वलीमे की लिस्ट से ना चुन चुन के उन लोगों के नाम हटाऊंगा जिन्होंने मेरी मोरल सपोर्ट में धांधली की है. रोता रहे बस, तू रोता ही रहे सारी जिंदगी. तो भाई अपनी अपनी कजन से क्यों नहीं सीखता तू कुछ? सोने की बालियां नकली है, मीना बाजार से लेकर आया होगा. अरे ये क्या है भाई? For my love, you and I, we are like earth and sky. मजाक मत बना, नकली है तो क्या हुआ, लगती तो असली है ना. टिप टाप परफ्यूम, खुला डिब्बा, ढकना भी काम नहीं कर दिया इसका. असली है, असली परफ्यूम. टेस्टर है, कामों का इंप्रेस हुए जा रही है. तेरे 1 महीने की तनख्वाह में आएगा ये परफ्यूम. और तू मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है, जलता है मुझसे? मैं क्यों जलूंगा, दीवानी हो गई है क्या? क्या बड़ा स्टोर है उसका, कार्ड परफ्यूम वाली, इतना कुछ दिया, तू क्या कर सकता है? बल्ब ठीक कर सकता है, पंक्चर बना सकता है, क्या बड़ी बड़ी बातें हैं, मैं तो हो गई इम्प्रेस. सुकून में दिन गुजारने के लिए यही इस्त्री, पंखा, चूल्हा, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है. ये क्या, पैसा फेंको आ जाएगा? ये देखो, अपने हाथों से जूसर ब्लेंडर ठीक कर सकता हूँ. चूड़ियां दिला दे, दर्जी तक लिफ्ट ही दे दे, वरना बता रही हूँ
उसके निकाह के वक्त दस्तखत कर रहा होगा गवाह बन के। अच्छा तू छोड़, सुनना क्रेडिट शेयर करना। क्यों, मुफ्त का है, मेरी मेहनत की कमाई है। ओ तेरी मेहनत की कमाइयां, सुनना यू केयर तो क्रेडिट शेयर प्लीज। हाय यही अंग्रेजी बोल के उसको पटा लेता। शब्बू का पीछा छोड़ दे। अच्छा छोड़, इधर आ देख। मेरा नाम अस्मा है, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, माँ कसम पैसे वापस कर दूंगी, पर जिसका क्रेडिट तो डलवा दे। अब देखना। ओए, ओए, मैं गई थी देखने बाहर, यही वो शकीला मीसुड़ी है ना, मनहूस मारी, उसने अपनी टंकी सारी भर ली, उसके बाद जाके ये पानी खोला उसने, वो उसका भाई है ना यूनियन में, उसका खूब फायदा उठा रही है, कमबख्त मारी। अम्मा तुम भी तो कम थोड़ी हो, कर देना चढ़ाई। हाँ करूंगी, ऐसी चढ़ाई की याद करेगी वो, देख लेना जब तेरा बाप ही दही जमा के बैठा हुआ है मुंह में, तो घर की औरतें ही सड़क पे निकलेंगी ना, मैं वो म्युनिसिपल वाले है ना उसमें जाके ऐसी रपट लिखवाऊंगी, ऐसी रपट लगाऊंगी कि देखना शकीला जेल में नहीं गई तो मेरे नाम भी बदल देना तू। बोल जलील, मैं पानी की किल्लत का रोना रो रही हूं और तू लगा हुआ है, लेकर आ पानी, जा। देखना मैं शकीला को तो छोड़ूंगी नहीं, जैसे रुखसाना को ना मैंने सड़क पे पटक पटक के मारा था ना, वैसे ही उसको मारूंगी, मिस मौत मारी को, तू याद रखेगी जिंदगी भर तू। हाँ वहां जा, वहां जा पानी, और जब पानी खत्म हो जाएगा ना तो गली की नुक्कड़ से भर भर के लाना, जा जलील दफा हो जा। मैं तो बड़ा हो गया, मारे जा रही हूँ, अब तो तुझे और मारूंगी मनुष, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तू तेलबाजी में लगा हुआ। अरे अम्मा जरूरी काम कर रहा हूँ ना। हाँ सब पता है मुझे तेरा, ये जरूरी काम है, बिजनेस है ना तेरा, शेड लगा हुआ ना, जो फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन आ रहा है तेरा, गली का। अच्छा अम्मा पांच मिनट दो, मैं आ रहा हूँ, तुम छोड़ दो मैं कर दूँ। मुझे पता है तू वैसे ही करेगा ना, जैसे तूने पंखे साफ किए थे और सिंक का नलका जो है वो ठीक किया था तूने, कमबख्त दफा हो जा मनुष। मारे तू जो लेटा हुआ ना शहजादा सलीम की औलाद, अनार कली लगी हुई हूँ ना मैं, और चल ओए मुन्नी इधर आ, तू मैं किधर आ, मनहूस की बच्ची, इस शकीले ने तुम्हें मैं की चढ़ाई कर दिया, छोड़ूंगी नहीं, आ जा मनहूसो, उठ तू छोड़ दू, अल्लाह तुझे गर्क करे। बेटा ठीक हो गई क्या? हाँ बस खाला तकरीबन हो ही गई है। अरे इस लोड शेडिंग ने तो जीना ही अजाब कर दिया है, जब नहीं होती ना तो एक अलग अजाब है, और जब आ जाती है सारा सामान खराब कर देती है। अरे कोई बात नहीं खाला, हमारे घर आके कर लिया करो, ऐसी कोई बात थोड़ी, तुम्हारा अपना ही घर है। अरे बेटा पहले से मेहमानों का पता हो तो बंदोबस्त भी कर ले, आज सुबह ही सकीना ने फोन कर दिया, शाम की चाय पे समोसे तैयार रखना, खाना को देखने लोग आ रहे हैं ना। क्या खाला इतनी जल्दी? अरे मैंने भी यही कहा था इन लोगों से। नहीं मेरा मतलब है हन्ना जी अभी तो पढ़ाई कर रही है ना। अरे तुम किसी और के बारे में सोच रहे होगे, हन्ना की पढ़ाई खत्म हुए भी 6 महीने गुजर गए। सलीम बेटा कितनी देर में ठीक हो जाएगी? हन्ना वो ईद का गुलाबी जोड़ा है ना वो पहन लेना, अलमारी में लटका हुआ है। लेकिन खाला इतनी जल्दी शादी? अरे अच्छा लड़का है वो, पड़ोस वाली रशीदा ने बताया है, अपना कारोबार है वो, कुछ उम्र में बड़ा है, लेकिन अच्छा खानदान हो तो इसके बारे में क्या सोचते। अब देखो बेटा वो अपने घर चली जाएगी,
तो मैं भी अपने भाई के घर जाने का सोचूं। अच्छा सलीम बेटा, एक काम तो करना, मुझे कुछ समोसे और जलेबी ला देना। मैं पैसे देती हूँ, अपने घर के लिए भी ले लेना। पैसे लेके आती हूँ, टाइम भी बहुत हो गया है। हन्ना बेटा, बेटा ये सलीम को पैसे दे दो। हेलो ओ भाई, भाई ये काम खत्म करके ना तुम्हें काम करना, तुम अपना पंचर जोड़ लेना। तो तुम्हारी हवा निकली हुई है दो दिन से, तुम्हें पता है? हाय, माशूक के जाने का गम सिर्फ आशिक ही समझ सकता है। अबे छोड़ देना भाई, हाथ जोड़ू तेरे आगे? छोड़ दे यार, भाभी चली गई है यार, अब इस मजनू को भी रिटायरमेंट दे दो। कब तक इसको खामखा ओवर टाइम कराओगे? रोमियो की कोई रिटायरमेंट नहीं होती। अरे ओ रोती शकर, ओए तू क्या कर रही है यहाँ पे? कुछ नहीं, चाची ने बर्तन धोने का कहा, मैंने आज ही नेल पॉलिश कराई। देख गोल्डन। आ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ओए चिलपंती करने की जगह नहीं है, काम की जगह है, चल निकल यहाँ से। क्यों, तेरी दुकान है क्या, या बब्बू को कोई मसला है? मुझे तो कोई मसला नहीं है। नई कुर्ती पहनी हुई है, जगह जगह ग्रीस लगी हुई है, खराब हो जाएगी, नेल पॉलिश भी नहीं लगाई हुई है। तू धो देना, वैसे भी तुझे पड़ोसियों की मदद करने का बहुत शौक, घर वालों के लिए भी थोड़ा टाइम निकाला था। चाची कह रही थी कि ओए सुन, कोई नौकरी वगैरह क्यों नहीं करती है तू? 24 घंटे मेरे घर पड़ी रहती है। इलाके की सारी लड़कियां मर गई है क्या? मुझे लगा है दोनों से तो ज्यादा ही काटने लगा है। मैं कहती थी ना कुछ कर ले, हाय हेलो नहीं तो ये सब पैर डलवा दे। अब आंटी की शादी हो गई तो हमारी वाट लगा रहा है। तू चुप करना। ए बबलू मैं छोड़ना यार, मेरे भाई में कुछ भी काम नहीं है, इसकी वजह से बिजनेस तो आ रहा है यार, बिजनेस आ रहा है उसकी वजह से। इधर उधर इसको ड्राइवर मार, काम हो जाएगा, मैं 150 रुपए ले लूंगा ना उससे। भाई नहीं यार, इस बार तो कोऑपरेट कर लेना यार भाई। आपकी बातें हुई, मेरी जूती से तय करेगा? ओ भाई कच्चर बनने का कुछ ज्यादा ही शौक है क्या? आपकी बाइक से ज्यादा इसके स्क्रू डील है। और तू क्या शीला की जवानी बन के यहाँ बैठी हुई है? जाओ पजा कपड़े धो, अगर नहीं धोना तो जाके सकीना को इंग्लिश पढ़ा। ओ बस भाई ठंडा हो जा यार, सलाम तो करके आ जाए। तू कर लेना जाके। तेरी भाभी ये? मेरी भाभी की बात कर रहा हूँ, मेरी भाभी। असर का वक्त था, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। अरे मस्जिदों पे भी कोई हमला करता है, खुदा गारत ही करेगा इन मर्दूदों को। और हना जी? अरे मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसकी सास के बदले में तेवर देखकर मैं तो खुद हैरान हूँ। या खुदाया मेरी बच्ची पे रहम कर दे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान पर कम निकले। वाह वाह वाह, क्या बात है। मिर्जा गालिब की औलाद। साले मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है कि तू ना इसी तरह शेर पढ़ते पढ़ते एक दिन बुढ़ा हो जाएगा। 11 बज रहे हैं, भाभी का वाइट कर रहा है क्या? नहीं यार, उसकी ना माँ आई हुई है घर पे, दिन रात चिक 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 चिक, कभी इसकी बुराई कभी उसकी गीबत,
दोनों माँ बेटियों ने मेरा तो दिमाग खराब कर दिया है यार। वैसे एक बात बताऊं, मेरे को ना खाना बहुत अच्छी लगती है। एक बात बताऊं, मेरे को ना ऑडी बहुत अच्छी लगती है, और गुदारा तो छोटी सी ऑल्टो भी कर रहा हूं ना। सुधर जा यार, तुझे समझा रहा हूं। पता फर्रू की माँ क्या कहती है? उसकी माँ कहती है कि बेटे चादर देखकर पैर फैलाने चाहिए। मुझे पसंद नहीं है वो औरत, बहुत बुरी लगती है। हाँ मगर बात मतलब की करती है कभी कभार, अब ज्यादातर शायद पता नहीं। राजू वाली आंटी से तो मर के भी नहीं पूछूंगा, साथ वाली खिड़की से दिखेगा। राजू अंकल, अस्सलाम वालेकुम। राजू सलाम, कैसे हैं आप? आपको पता है पूरी बिल्डिंग में लोड शेडिंग हो रही है, मैंने बोला जरा चेक कर लूं, सबके जूसर ब्लेंडर सब खराब हो गए हैं। आपका फ्रिज सही चल रहा है? ठंडा है, ठंडा। अरे 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 अरे, क्या टैट पौधे लगाए हुए हैं आपने। वैसे एक बात तो बताए, माली वाली है? एक मिनट। खाला, हेलो। अरे अरे खाला, इस टाइम खैरियत? हाँ हाँ, एक सेकंड में बेगाना कर दिया। हाँ बस आया, दो मिनट में आया। हाँ बस पहुंच गया, दो मिनट। ओके ओके। चले फिर राजू अंकल, मैं निकलता हूँ, आजकल बड़ा बिजी स्केड्यूल है, ख्याल रखे अपना। और सारे काम ही गलत गलत हो रहे हैं, घर का क्या करूं, और आज सब्जी भी जल गई, पानी भी नहीं आया। अरे तुम कर लोगे ना? हाँ खाला, मैं पहली दफा थोड़ी ना कर रहा हूँ। अरे भाई क्या करूं, सुन भी रहे हो मेरी बात? टाइट करके लगाना, पता नहीं इस लड़के का दिमाग कहाँ होता है। मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि गुसलखाने की कुंडी लगा दे, लेकिन नहीं नहीं, मेरे लिए तो वक्त नहीं है ना घर के लिए। जैसे ही दोस्तों का कोई भी फोन आए, फट से तैयार होके निकल जाता है। सुन रहा है, मैं क्या बकवास किए जा रही इतनी देर से? अम्मा ये इद्दत कितनी लंबी होती है? है? कुछ नहीं है? क्या कह के गया है कमबख्त का बच्चा? इद्दत है? इसके बाप की तो तबीयत ठीक है, ये जल्दी ही मरने वाला है। सो जा, सारे बच्चे मेरे पक्के कमबख्त। अरे वो मोहब्बत ही क्या जो दिन रात ना करता।
एक झलक ही काफी है बस उसकी। एक झांकी मार लिया कर, उसे थोड़ी पता चलेगा। पता चले ना चले, बात असूल की है। ऐसे तो कमाया रह जाएगा। तो देख तेरी अम्मा का सर का दर्द खत्म हुआ। कमबख्त बैठ यहाँ पर। अरे क्या हुआ? अरे पूछो इस आवारे से कहाँ थी ये, मैं कहाँ से पकड़ के लाया उसे। अरे तबरेज भाई क्या हल्ला मचाया हुआ है, ऐसा सर में शदीद दर्द हो रहा है मेरे, क्या हुआ? अरे भाभी पार्क में बैठी हुई थी, आंख पटक्का कर रही थी। अब्बा खुदा को मुंह नहीं दिखाना, गला सरा क्यों बोल रहे हो मेरे बारे में? झूठ बोल रहा हूँ क्या? अच्छा तो ये बताओ वहाँ क्या कर रही थी? तबलीग कर रही थी वहाँ? आइसक्रीम खा रही थी पार्क में। कौन सा चरस गांजा गले जो इतना नाराज हो रहे हो? क्या बोला बेगैरत? अरे लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते, निकल आएगा इस मसले का भी कोई ना कोई हल। क्या हल होगा भाई साहब, ये लड़की मेरी इज्जत उछालेगी पूरे बाजार में। भाई आप आराम से बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। तुम जाके पानी लाओ ठंडा। अच्छा, पहले चाय तो इसको। बैठो 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 बस। बस तबरेज बस। अरे छोटू क्या कर रहा है, पानी लाना जाके। नीचे तो गजब ढाया हुआ है, क्या करके आ रही है चिंटू? कुछ नहीं करके आ रही, खींच के लाया अब्बा, आइसक्रीम खा रही थी वो शफकत के साथ। शफकत कौन? वो पान की दुकान वाला चिचुंदर? नहीं नहीं वो उसके अब्बा की इजी रोड की दुकान है। अल्लाह की कसम सिर्फ बेइज्जती करवाई है मेरी, लगा था चंपे करवाएगा। तेरी सेटिंग भी, अब तू देखना परांदा पढ़ के शादी नहीं करे ना तेरे अब्बा ने, नाम बदल दियो मेरा। बकवास मत कर, खुद की सेटिंग नहीं हुई तो मुझे बद्दुआएं देगा। बद्दुआ थोड़ी, अब तो शादी होगी तेरी, बजेगी शहनाई और बंगड़ा डालूंगा मैं, और वो लल्लू तो काम से गया जिसकी किस्मत में आएगी तू। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। क्यों चिल्ला रहा है? क्यों छोटू, हो रही है फिर अस्मा बाजी की शादी? अब अस्मा आप ही मेरी भाभी बनेगी। सलीम शीरमाल और कोरमा लेके आ जा। क्या? हाँ माँ कसम सुबह से कुछ नहीं खाया, हाल में भी जब कोरमा लग रहा था ऐसी जोर जोर की खुशबू आ रही थी, कुछ नहीं खाया। अभी तेरा नदीदा पन नहीं जाएगा? अच्छा जा ना, भूख से जान निकले जा रही है। चमकी लगी है अच्छा सुन। अम्मा ने ना कमेटी डाल के पूरे कमरे में लगाया सामान। अबे मैंने तो बोला दीवानी को 70 दिला दी थी मुझे, दोनों घूमते हाँ बोला था। हाँ हैवी है। हाँ कैसी है? ये अच्छी है। हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा। अरे अस्मा बेटा तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही हो, अल्लाह तुम्हें नजरे बस से बचाए। थैंक यू खाला, कोरमा तो आफत बना है। अरे मेरी बच्ची हना ने जो बनाया है
और सलीम तुम क्या चूड़ियों की तरह चुग रहे हो? हना बेटा जरा इसकी प्लेट में कोरमा तो डालना। अरे नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। ले लीजिए ना, बहुत लजीज बना है। चुप कर जा। जिद क्यों करते हैं? नहीं प्यार से दावत ने बुलाया है, थोड़ा ले लीजिए। जी शुक्रिया। अरे तकल्लुफ क्यों कर रहे हो, तुम्हारा अपना ही तो घर है। सलीम जरा रायता डालना। जी शुक्रिया। हाय हाय कहाँ चले बंसवर के हीरो? खाला के घर फानूस का बल्ब बदल गए। फानूस के साथ साथ अपने दिल में भी कुछ रोशनी करते आना। चुप चोरी क्या बोलती रहती है। और नहीं तो मैं कह रही हूँ सलीम कितने चक्कर लगाएगा, बुढ़ा हो जाएगा, एक आध आंखें मार लिया कर। एक काम कर, पूरे इलाके में जाके ऐलान कर दे कि तेरा जो शौहर है ना वो दूसरी लड़कियों को आंखें मारता है। सालिम प्यार किया तो डरना क्या, मैं तेरी बीवी हूँ, जब मुझे कोई मसला नहीं तो मोहल्ला गया तेल लेने। हाँ हाँ चल मैं आया। अच्छा एक बार यहाँ के लिए भी लेते आना, तो चाहे कमरे का खराब हो गया। हाँ देखूंगा ले आऊंगा। हाँ यार खाला के यहाँ पानी की टंकी में कीड़े हो गए, दवाई डालने जा रहा हूँ। थोड़ी अपने दर्द की भी दवा कर लो। तू नहीं सुधरेगी। Hopeless। सलीम शाम में सिनेमा लेके चल, शाहरुख की मूवी लगी है। तुझे पता है सबसे पहला शो देखा करती थी मैं, 2 हफ्ते हो गए कोई ले जाने वाला ही नहीं है। हाँ हाँ वर्कशॉप पे काम तुम्हारे अब्बा करेंगे ना, मुझे यहाँ 2 सेकंड की फुर्सत नहीं है, तुम्हारी चोचलेबाजी खत्म नहीं हो रही है। फुर्सत की बात नहीं है, घर वालों के लिए टाइम नहीं है तेरे पास। हेलो हाँ खाना बस पहुंच गए। हाँ बस 5 मिनट गेट पर हूँ, अंदर आ रहा हूँ। हाँ आ गया आ गया। सलीम सलीम जी आपने बुलाया, कैसी हैं? जी ये कुछ पैसे हैं, कुछ सामान लाना था, खाला जान ने कहा आपको बुला लूं। हाँ अभी ले आता हूँ। थोड़ी देर बाद ले आता हूँ। ठीक है मैं टोकरी में डाल रही हूँ, इसे ले लीजिए प्लीज। भाई कोरियर सर्विस शुरू कर ले तू। अबे यहाँ काम कौन करेगा, दुकान बंद कर दूं क्या? और कुछ जी? नहीं शुक्रिया। खांसी का शरबत लेते आना लाइबा के लिए, 2 दिन से खांस खांस के बदहाल हो गई है। हाँ टाइम मिला तो ले आऊंगा, खाला की मोटर 2 दिन से बहुत पंगे कर रही है, वरना छोटू से मंगवा लेना। तू मुझे एक बात बता, तुझे अपने घर के काम करने में मौत आती है? 5 मिनट का काम है। सुनो सुबह ही सुबह ना मेरे मुंह ना लगा करो, जब देखो शुरू हो जाती है सुबह सुबह
ड्रामेबाजी हर वक्त की। कैसा है प्रॉपर जेंटलमैन? क्या साइलेंट फिल्म चल रही है ये? पर मेरी तो बीवी है ना। हाँ तो घर पर? अपने ही घर पर है ना। हाँ मगर क्या? मगर क्या? मगर मैं तो प्रॉपर जेंटलमैन हूँ ना भाई। तू ना मुझे कोई प्रॉपर जेंटलमैन लगता नहीं है। तो वो तो मैं तेरी हाँ में हाँ मिलाने के लिए कह देता हूँ कभी। अब देख सब छोड़, ये दूसरी साहब की बाइक है ना, उसको जरा ठीक कर दे भाई। हैं? ठीक कर दे यार। अच्छा सुन, चल मैं निकल रहा हूँ। वर्कशॉप से पहले खाला के चक्कर मारता हुआ चला जाऊंगा। पता नहीं आज कॉल ही नहीं आई। तू एक काम कर मुन्ने, वर्कशॉप लगा दे तू साइड पे, खाला के घर मुलाजिम लग जा। जितनी मेहनत तू वहाँ करता है ना, वर्कशॉप पे कर देता। एक स्कूटर होती तेरे पास तो फिर शुरू हो गई है। तो मत लगा करना मेरे मुंह, सुबह से खोलू की बैल के तेरा काम नहीं कर रही थी, क्यों लगा मेरे मुंह? अच्छा दादा मजलूम ना बन सारा, अगर तू नहीं देख रही है यहाँ पे सीखी तैसी। चल तू बैठ जा, मैं नीचे बैठ जा। तू बैठ जा, घर में जगह ढूंढना मुसीबत हो गई है। चिढ़ क्यों रही है? बैठ जा, वैसे भी अम्मा ने देख ले तो पंगा हो जाएगा फालतू का। ठीक कह रहा है तू, वैसे भी पूरा दिन मेरी क्लास लेती रहती है। गिनती के तीन पौधे पड़े हैं, मैं तो यहाँ मोतिया के पौधे लगाऊंगी। हाँ मैं ला दूंगा। तू रहने दे, तेरे इंतजार में बैठी रही ना तो बुढ़ी हो जाऊंगी। मैं बस कह के मंगवा लूंगी। अच्छा मेरी माँ मंगवा लियो जिससे मंगवाना। जूतियाँ देख, चार महीने से नहीं खरीदी, पहले लेटेस्ट वाली देती थी, देख ऐसी घिस गई हैं। वो कौन सी पिक्चर है कह रही थी तू? शाहरुख वाली। तू जा रहा है देखने? नहीं सोच रहा हूँ। अच्छा तू देखेगा तो मुझे बताना कैसी थी। तू चलेगी? मैं? तू मुझे लेके जाएगा? हाँ मजाक कर रहा हूँ तुझसे, तेरा मेरा मजाक है। अरे सलीम हम कब जाएंगे? बाहर को जाएंगे। बोलते हैं कसम खा, झूठ तो नहीं बोल रहा। और वैसे भी शाहरुख के बारे में मजाक मजाक नहीं करता। अपना शाहरुख खुले दिल आएगा। एक काम भी ढंग का नहीं करती ये लड़की। कहां से नाजर हो जाती हो चाची, मौत की फरिश्ते की तरह। तू तो दिल से चाहती है ना मैं कल की मरती आज मर जाऊं। हां कहां की बात कहां मिलाती है चाची। और वैसे भी अल्लाह अपने नेक बंदों को जल्दी बुलाता है, तेरे जाने में बहुत टाइम है। हाँ हाँ अल्लाह माफ करे, क्या जबान चलती है तेरी, कैची की तरह कच 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 कच। मैं किस काम के लिए आई थी भूल गई।
ओ हाँ याद आया, वो जो मैंने मिर्चे सुखाने को डाली थी तूने हटा ली या पड़े पड़े मजीद सूख गई वो? अच्छा मुझे लगा तूने हटा दी है, तभी तो ये जबान मिर्च की तरह तेज चल रही है। क्या अनाप शनाप बकरी है तू, वैसे मुझे हसरत है कि कभी मेरी किसी बात का तूने सीधे जवाब दिया हो। अरे मेरी प्यारी चाची मैंने उठा ली थी, जिम्मेदार हूँ मैं, अधूरे काम नहीं छोड़ती। हाँ बहुत जिम्मेदार है ये मुझे पता है। ये अब कहाँ जाने की तैयारी हो रही है, मैं के दफा हो रही होगी फिर? हाँ अब जब मैं चुप हो गई तो क्यों लग रही है मेरे मुंह? सिनेमा जा रही हूँ सलीम के साथ शाहरुख की फिल्म देखने। है? फिल्म देखने जा रही है सलीम के साथ? यही बोला है मैंने, इसमें भी कोई मसला है तुझे? नहीं नहीं मुझे क्या मसला होगा, जाओ जाओ और खूब मजे करके आना। सिनेमा जा रही हूँ, वाटर पार्क नहीं। तुम चल दफा हो जा, एक जुमला भी जो है ना तू सही बोले, 10 जुमले बोलेगी फिर जाके एक जवाब देगी तू मेरी बात का। अब कौन बोल रहा है? नहीं बोल रही हूँ। अच्छा सुन अस्मा, ये वाला जोड़ा पहनना, बड़ी खूबसूरत लगती है, और अच्छी तरह तैयार होना ठीक है? देर से तुझे आवाजें दे रही हूँ मैं, मुंह बंद करके बैठी हुई तू? अभी कुछ ना बोलना चाची, मेरा चिक-चिक का बिल्कुल मूड नहीं। सलीम आ गया? हाँ आ गया। है कहाँ है? नी जेब में। चाची तू हवेली में नहीं रहती जो मुझसे आगे पूछती है, वो आएगा तुझे पता चल जाएगा। अच्छा चल खाना खा ले, दम का कीमा बनाए। हाँ मैंने ही बनाया है। खाना लग गया है, सबके साथ बैठ के खा लेना। मुझे नहीं खाना, तू खा ले। अच्छा ठीक है तेरे लिए संभाल के रख दूंगी, तू अब सो जा। अस्मा सुन, अस्मा एक बात पूछूं तुझसे? मुझसे तो ऐसे लेती है चाची, ऐसे मना कर दूंगी तो दोबारा नहीं पूछेगी। क्या मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रही है, जोर से बोल। कुछ नहीं, क्या पूछ रही हो बोलो। सुन मैं बोल रही हूँ कि तेरी शादी को 5 महीने हो गए, कोई खुशखबरी है? चाची जरा मुझे एक बात तो बताना, तुम्हारी खुद की खुशखबरियां तो संभलती नहीं, मेरे क्यों पीछे पड़ी रहती है? क्या मुंह फाड़ फाड़ के बकवास किए जा रही है? मुंह फाड़ के सर फाड़ लूंगी मैं अपना, जुम्मे के जुम्मे तू एक सवाल मुझसे पूछती है। ये देख तुम्हारी खुशखबरी, 3 दिन से एक ही कपड़ा पहने भी है। ये देखो तुम्हारी खुशखबरी, मुंह फाड़ फाड़ के सोती है। और ये तुम्हारी खुशखबरी, ये किसकी खुशखबरी है? चेक कर। मैं तुझ घर में रहते नहीं,
कल यहाँ से हट, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, घर मुर्गी का दरबा बना हुआ और खुशखबरी की रट लगाई हुई तूने। आए क्या बेहया, बेगैरत, बेशरम लड़की है तू, क्या गजभर की जबान है, इसीलिए तो मेरा बच्चा घर पे नहीं टिकता। चाची मैं बोल रही हूँ, अपने बच्चे के बारे में तो मेरा मुंह मत खुलवाना। देख अस्मा, तेरे तेवर यही रहे ना तो देख लेना, इंशाल्लाह अपना घर नहीं बना सकेगी तू। हाँ मैं सही कहती हूँ, उठ जा शहजादा सलीम के हालात। आ गया तू सलीम, अपनी अम्मा को समझा ले, बहुत लिहाज कर लिया मैंने, अगर मैं बदतमीजी पे उधर आई ना तो बोलती बंद कर दूंगी मैं उसकी। क्यों आती चर्चा शुरू कर दी है यार, अभी आए हुए 2 मिनट नहीं हुआ है, मुझे सुकून का सांस तो लेने दे। हाँ तेरे सुकून की परवाह मैं करूँ, तेरे माँ के सुकून की परवाह मैं करूँ, तेरे बाप के सुकून की परवाह मैं करूँ, तेरे भाई बहन के सुकून की परवाह मैं करूँ, मेरी परवाह कौन करेगा, सोचे तूने? अरे क्यों बड़बड़ करे जा रही है तू, घर पे टिक तो फिर तुझे पता चलेगा, पूरा दिन मोहल्ले में घूमता रहता है, मुझे कितने ताने सुनने पड़ते हैं, तुझे खबर भी है? हाँ मुंह फाड़ फाड़ के मुझे देखता रहे, ये तो मेरे अकेले की सजा है, भुगतूंगी भी मैं, तू बना रहना रोमियो। यार यार तू कभी ऐसे आए भरता है वैसे आए भरता है, तेरा मसला क्या है तू बता तो सही ना, तुझे समझ ही नहीं आता। मुझे भी समझ नहीं आता यार, छुड़ैल कहीं भाई, वो चिपकली तुझे तंग करती है क्या? हाँ हाँ नहीं है, वो बेचारी मुझे क्या तंग करेगी, तो पूरा दिन घर की चेड़-चेड़ पेड़-पेड़ में लगी रहती, तेरे को तो पता है ना यार, मैं तो आ जाता हूँ वर्कशॉप। ओ मेरे प्यारे, अरे शहजादे प्यार आ रहा है उससे हैं। ऐसी शौकी होती थी ना उसकी शादी से पहले, याद है तेरे को? सब खत्म हो गया, ये तो नाइंसाफी है ना यार। देख मेरी बात, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, समझा? हम बैठ के हल निकाल लेते ना इसका। हाँ ये जो दिल है ना, इसका कोई हल नहीं, घर में घर वाली और मैं बाहर वाली के पीछे पड़ा हुआ, कोई हल नहीं इसका। देख मेरी बात, तू मुझसे कुछ सीख, तू मुझसे क्यों नहीं सीखता यार? तुझे पता है कॉलेज के बाहर मैंने किसको नंबर फेंका था? अबे नंबर किसी को फेंका, उठा किसी और ने लिया, हाँ और मेरी उससे शादी हो गई। अब बैठी है घर में इत्मीनान से, तो उस बेचारी को तो पता तक नहीं है कि वो रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर। हेलो हेलो जी, अरे अरे आपने क्यों जहमत? हाँ बस मैं आया, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास, मैं बस पहुंच रहा हूँ। ओके हे ये तू, तेरा कुछ नहीं हो सकता, सही कह रहा, इसका हाल कम वो सिलेंडर से गैस लीक कर रही थी, खाला जान ने कहा कि पिछली बार आपने ठीक की थी, अभी भी आपसे चेक करवा लें। जी मैं, कैसी तबीयत है खाला की? बीपी हाई हो गया था लेकिन अब बेहतर है, आराम कर रही है। मैं चलता हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, खाला जान ने ताकीद की थी मुझे कि आपको बगैर चाय पिए ना जाने दें। नहीं वो दरअसल मेरी बीवी मेरा घर पे इंतजार कर रही है। सलीम सलीम, अबे तुझे क्या हो गया सुबह ही सुबह? चाय लेके आई हूँ। ऐसे कब से लाने लगी चाय, चुड़ैल कहेगी तुझे? तो मैं चुड़ैल लगती हूँ हमेशा, तो हरकत ही तेरी ऐसी है जहनों वाली। ये पकड़, तेरी नौकर नहीं हूँ मैं, इसको देखो इस घर में मेरे पीछे पड़ा रहता है। अरे कौन पड़ा रहता है तेरे पीछे, महारानियों की तरह घूमती रहती है, मजाल है किसी की? मजाल तो सबकी है, अपनी अम्मा को देखा है मेरी जबान नापने पे तुली रहती है। हेलो अजी, हाँ हाँ बस कोई मसला नहीं, आ गया 5 मिनट में आपके पास। ठीक ठीक, तो क्यों जा रहा है, छोटों को भेजते? Thank you.
छोटू? वो भैया बोले खाला की दवा लानी है। अच्छा आप रुको, मैं नुस्खा लेके आती हूँ। इसके तो मैं भैया से डबल पैसे लूंगा। मुबारक हो मुबारक हो, चांद नजर आ गया, कल पहला रोजा है। जल्दी जल्दी हाथ चला, जितनी जबान ने तेरी दम है ना, अपने हाथ में भी दम लाया कर। मुबारक हो माँ, चांद नजर आ गया। बहुत बहुत मुबारक हो मेरा बच्चा, तुम्हें भी मुबारक हो, तुम्हें भी मुबारक। जा भाई को बुला के ला, लेकिन बैठा रहे, मैं बुलाती हूँ। सलीम सलीम, क्या हो गया अम्मा? आए, बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बच्चे, चांद नजर आ गया, अल्लाह तुम्हें ढेर सारी खुशियां अता करे, साहिबे औलाद करे। क्या काम है अम्मा, जल्दी बोलो, दुकान जाना है। दफा हो जा, माँ की दुआ भी ना ले, कंबख मारे। अच्छा ले, ये ले, ये परचून की दुकान से सौदा लेकर आ, पकड़ जा। मैंने तेरी भेड़िया खानी है। तू उठेगी सैरी में, मैंने भेड़िया खानी है, चकल देगी अपनी भेड़िया खानी है। मैं बोल रू चाची, बात अपने मुँह में लगा कर मेरे, मुझे भी शौक नहीं है तेरा सड़ा हुआ मुँह लगने का। क्या पहनना? वही पुराना जोड़ा पहन लूंगी, जरूरी थोड़ी कि हर ईद पे नया जोड़ा बनाऊं। और तुझे भी कोई जरूरत नहीं, अभी शादी हुई है, कोई जहेज और बरी का पहन लेना। मगर चाची, अबे चुप कर, तू क्या कर, तू भी मेरे साथ फेमिकॉल की तरह चिपका जा। दफा हो, वो देख कर कूफे की डाइनर, वो कहा छोटी, और बाप को भी पूछ लेना कि सटक ही ना जाए कभी। जा जा, यार भैया यार सामान तो निकाल दे। क्या आ गया? दो चाय, दो शरबत की बोतलें, दो फेनिया, दो दूध, दो चीनी, दो डबल रोटी। वाह यार क्या सेटिंग है भाई। चुप, सामान निकाल चुपचाप। अस्मा अस्मा, सलीम चाची कह रही है मुझे ईद पे नया जोड़ा बनाने की जरूरत नहीं। भला ये भी कोई बात हुई? नई दुल्हन हूँ मैं, मेरी पहली ईद है, कोई इतना भी नहीं करेगा मेरे लिए। तुम कहो तो मैं अपने अब्बास के जोड़ा बनवा लूँ। पहला रोजा हुआ नहीं, तुम्हें ईद की टेंशन शुरू हो गई है। क्योंकि मेरी सारी टेंशन मुझे लेनी पड़ती है, कोई और नहीं लेता इस घर में। अस्मा अस्मा अस्मा, उठ जा यार, मीनू आ रही है, मुझे दे। कल रात तो बड़ा बोल रही थी, तेरी खुद बनाऊंगी सारी, उठ जाना, फेनिया लेकर आऊं तेरे लिए। मुझे दे ना, काम कर करके हड्डियां दुख गई। अस्मा उठो, अस्मा पानी पियो। लग रहा है और बहुत। अच्छा एक बात बता, कुछ खा सकते हैं भूले से अगर चाहें तो? नहीं नहीं। अबे अच्छा, तूने क्या रमजान वर्कशॉप पे गुजारने का फैसला कर लिया है क्या? मैं ये है तेरा सलूशन? अबे तू क्यों हमेशा मुझे ताने मारता रहता है कमीने? साहब ने गाड़ी दी है, बोलता है शाम तक ठीक कर दे, बोनस दूंगा।
बोनस, मैं पहला रोजा तो घर पे खोल लेता, बोनस का क्या तू अचार डालेगा? अबे तू चल ना यार यहाँ से। मेरे मौला गरम होकर भाभी आ गई भाभी हाँ भाभी नहीं खा सकता, भूख तो लगी है मगर रोजा है ना। हम जले दुनिया जले। तू क्या कर रही है यहाँ पे? पता था मुझे तूने तो आना नहीं है। चाची को ऐसी जोर का रोजा रख ला था, मेरा सर चाट गई। मैंने सोचा नीचे तेरे साथ आके इफ्तार करूं, तेरी में भी तूने नहीं उठाया, पेट में चूहे दौड़ रहे। अबे ओ घोड़े गधे बेच के सो रही थी तू, चीख चीख के गला खुश्क हो गया मेरा। बहस मत कर मुझसे, दुआ पढ़ ले थोड़ी। अबे सारे समोसे ले आई ना दीदी? आलू के, मिलके खाएंगे। खैरियत आज आप घर का सामान ठीक कर रहे हो? चुबे खाला हाँ 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 चले बस मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। ओके ओके यार छोटू मेरा काम तो कर दे यार छोटा सा, ये थोड़ा सामान लेके ना खाला घर छोड़ाएगा। नहीं भैया मैं जा रहा हूँ, वैसे भी मुझे रोजा लग रहा है। अरे यार मेरी बात तो सुन, 5 रुपए दूंगा। 10 में बात करनी है तो 2.5 दूंगा। मेरी जान 10 रुपए ले लियो यार, चला जा। ये देख ले भाई, ये देख ले यार, चला जा मेरे भाई चला जा। अच्छा फिर मैं चपले बदल के आता हूँ। ये सलीम पता नहीं कहाँ पे रह गया, आज मुझे कह रहा था कि इफ्तारी घर पे करूंगा, इसलिए इतनी सारी चीजें मैंने मंगवाई। जा छोटू जाके देख कर आ भाई को। अरे मैं अभी तो देख कर आया हूँ, वो शॉप पर भी नहीं है। हाँ तेरा बेटा चाची गया होगा किसी के बुलाने पे। अरे कम वक्त मारी, यही तो गजबर की जबान है तेरी, इसी वजह से मेरा बेटा घर पे नहीं दिखता। हाँ दुनिया की सारी बुराइयां मेरे अंदर, तेरा बेटा दूध का धुला। इतनी जल्दी पहचान लिया ना अपने आप को तूने? दुआ पढ़ लो, अफ्तार का वक्त हो रहा है। जीना हराम कर दिया है मेरा, बड़ा पकोड़े खाने का शौक है ना, चूहे मार दवा ना मिला दी तो मेरा नाम भी अस्मा नहीं। और ये सलीम टहलता फिरता है, और मैं इसकी अम्मा का ख्याल रखूं, इसके अब्बा
कितने का है? ये 1000 रुपए का। हाय, और ये? ये भी 1000 रुपए का। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए, तो अच्छा लग रहे हैं। ये ओरिजिनल मलमल है बाजी, 1200 रुपए का पड़ेगा। ये मुझे पता है, मलमल है कितने का? 1200 रुपए का। 1200, जानता भी है क्या बोल रहा है? ये ओरिजिनल नहीं, 500 का तो हमें नहीं आता। 500 का बिल्कुल आता है, मैं जानती हूँ, ये ले ले तू 500। बाजी ओरिजिनल मलमल है, ये कोई लोकल। तू जानता है मैं कौन हूँ? रोजाना का आना जाना है मेरा, हर दुकान वाला जानता है। बहस ना कर मुझसे, पकड़ पकड़ इसको, बस ये हो गया, कोई नुकसान नहीं, ये अच्छा है, बहुत शुक्रिया। सलीम, सलीम, खड़े खड़े क्या मुंह तक रहा है तू? जा शीर खुरमा मोहल्ले में बांट के आ, जा शाबाश तेरा बच्चा। गया खाला, ईद मुबारक। खैर मुबारक बेटा, जीते रहो। इतने दिनों से कहाँ गायब हो? मुझे तो लगता है एक जमाना बीत गया तुम्हें देखे हुए। बस खाला, कामों में लगा हुआ था। अरे मुझे मालूम है, शादी के बाद जिम्मेदारियाँ जो बढ़ जाती हैं। खैर आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा, हैदराबाद शिफ्ट हो रहे हैं अपने भाई के घर। अब तबीयत ठीक नहीं रहती, हन्ना की फिक्र लगी रहती है, मेरे बाद है कौन उसका, वही तो है। मगर अचानक से? अरे ईद का दिन जो है अच्छा होता है फैसलों के लिए। अच्छा बेटा, मैं इस घर को किराए पे देना चाहती हूँ, कोई अच्छा किराएदार हो तो मुझे जरूर बताना।
वाह भाई क्या बात है, ना मकान किराए पे ले रहा है। पर जेंटलमैन नाउ रिच मैन। अरे हाय ये क्या फर्मी चिपड़े पर्दे हैं, मैंने तो यहाँ पे मून लाइट के पर्दे लगवाने हैं, लाइट छलक छलक के आएगी। तेरी लाइटों के शौक नहीं जाने। तुम छोड़ ना, मुनीत का अब्बा अपना सोफे बेच रहा है, उठा ले। घर की मालकन जैसे दिल चाहे सजा ले। तू बालकनी देख रहा है, आइंदा से मैं वहां खड़ी होंगी, तुझे देखूंगी तो सताऊंगी, तुझे कुछ भी नहीं करने दूं। अब तुझे नौकरी से निकाल देगा क्योंकि मैं नहीं रुकूंगी।